ने केस की समाअत की। नैब के तफ्तीशी अफसर ने दोनों मुलजिमान को हथकड़ियां लगाकर सख्त सिक्योरिटी में अदालत के रूबरू पेश किया। मुलजिम कमरुल इस्लाम ने कहा कि पूरे मुल्क में वो वाहिद उम्मीदवार हैं जिसके हाथ पांव बांध दिए गए। वोटर्स से बराह रास्त राबता न होने से उन्हें नाकाबले तलाफी नुकसान हो सकता है। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद ये अदालत कुछ नहीं कर सकती, अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करने के लिए मुतालिका फॉर्म से रुजू करें। अदालत ने मुलजिम कमरुल इस्लाम की 3 दरख्वास्तें मंजूर करते हुए नैब को मुलजिम का मोबाइल सुपुर्दारी पर उसके हवाले करने की हदायत कर दी और इलेक्शन अकाउंट से रकम निकलवाने और पोलिंग एजेंट्स के अथॉरिटी लेटर्स के दस्तखत की दरख्वास्तें भी मंजूर कर ली।